नेक्स्ट वील स्टडी अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इम्पिडेंस जेड पैरामीटर इन केस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बस तुम्हें ये सर्किट डायग्राम याद होना चाहिए कि जेड पैरामीटर के केस में हमारे पास कुछ इस टाइप का सर्किट डायग्राम होता है। अब ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये कौन से टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, हमारे पास डिपेंडेंट टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है Z22I2। तो क्या मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है? नहीं, ये हमारे पास देखो अगर प्लस और माइनस साइन है तो ये कौन सा सोर्स होगा? वोल्टेज सोर्स। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? करंट पे डिपेंड कर रही है। तो ये कौन सा सोर्स होगा? करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे याद कर लेना, ये Z11 आएगा फर्स्ट प्राइमरी साइड पे, सेकेंडरी साइड पे ऑब्वियसली, देन Z22 आएगा, बीच में दो डिपेंडेंट सोर्स है, दोनों डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, और इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? एक की वैल्यू है Z12 है, सॉरी यहाँ पे Z12 और I2, और यहाँ पे क्या है Z1 I1। ओके, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई है V1 और यहाँ पे हमारे पास सप्लाई है V2, इंटरचेंज है, I2 इधर है और I1 इधर है। इक्वेशंस इसके भी सेम है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ओके, अब देखो इसमें क्या कैसे आएगा क्वेश्चन, तुम्हें ये सारी वैल्यूज दे देंगे। ओके, तो Z11 की मान लो इन्होंने यहाँ पे 4 दे दी, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि 4 है तो वो Z11 की वैल्यू है। यहाँ पे 6 दे दी तो 6 किसकी वैल्यू हो गई? Z22 की वैल्यू हो गई। यहाँ पे अगर 8I2 बोल दिया तो 8I2, 8 किसकी वैल्यू हो गई? Z12 की। और यहाँ पे मान लो अगर 9I1 बोल दिया तो ये Z21 की वैल्यू हो गई। तो ऐसे तुम्हें कंपेयर करना होगा और डायरेक्ट तुम्हारा कंपेरिजन से इम्पिडेंस की वैल्यू आ जाएगी।